भाई इसका फेस देख रहे हो कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई यही सबको पीटने वाला, तो आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे, इसको देखते हैं भाई प्यार हो जाएगा, इतना ज्यादा सुंदर है। और ये है इसका भाई 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, और इसको ऊपर से देखो, चाहे दाएं से देखो बाएं से देखो, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि यार जैसे असली वाली गाड़ी नहीं होती, और इसी रोप में वापस बंद भी जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट है ना कांच का। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटेस्ट और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज में, जिसमें होने वाली एक बीटीएस की स्टेशनरी किट से लेके एक बहुत बड़ी बिग गन से लेके एक बबल मशीन गन और साथ ही में रोबोट इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर, और आज एंड में नहीं बल्कि बीच में ही दे दिया जाएगा 15 लोगों को शाउट आउट, जिसमें से की हैप्पी बर्थडे शाउट आउट भी होने वाला है, जिनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाली है बैटमैन की रोबोट वॉच, जो की डिफॉर्मेशन वॉच है, और ये बैटमैन की तरफ से आती है डीसी वालों की तरफ से, जिसके अंदर आपको जो है खुद से ही इसको मोड़कर बनाना होता है वॉच, और साथ में इसके अंदर 21 फोटोज भी निकलती है, यानी कि प्रोजेक्टर वॉच भी है, प्लस में ये एक रोबोट वॉच भी है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बाजू में दिखकर बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हमारी बबल मशीन गन, तो ये आ गया हमारे हाथ में। ये मशीन जो है ना कुछ खास होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो डिजाइन आप देख रहे हो, ये आपको डिजाइन देखने से पता चल गया होगा कि ये जो एक बबल मशीन गन है, इसके अंदर रेनबो वाले कलर में बबल्स निकलते हैं, साथ ही में ये जो है ना इसका लुक बिल्कुल एकदम हेयर ड्रायर की तरह है, और इसके अंदर आपकी 4 AA वाली बैटरी भी लगती है, और साथ ही में इसी के बॉक्स में मिलता है हमें ये एक बबल वाटर, जो काफी ज्यादा झाग बनाकर आपको देगा और आपके पूरे रूम को ये भर देगा पूरे झाग से, और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम हेयर ड्रायर की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये बाल सुखाने वाली मशीन है, लेकिन नहीं, ये एक बबल मशीन है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा फैन दिख रहा होगा, जो कि ये खुलने वाला नहीं है, ये शायद यहाँ पर पेचकस से लॉक कर रखा है अच्छे तरीके से, और इसका जो बैटरी वाला कंपार्टमेंट है वो ये वाला है। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें इसकी बबल वाटर लगानी है, फटाफट से इस कैन को भाई इसके अंदर लगा देंगे, और ये बोतल देखो भाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी बबल वाटर गन, और एक बार जो है ना इसका साउंड भी सुनते हैं। ओ माय गॉड भाई इसकी बॉडी तेज ही ज्यादा हवा आ रही है, तो इसको ना एक काम करते हैं बाहर लेके चलते हैं और इसका एक लाइव डेमो लेते हैं। इस बार एक ऐसी बबल मशीन बनाई है जो कि मेरे को हेयर ड्रायर की तरह लगती है, लग रही नहीं एकदम हेयर ड्रायर की तरह, इसकी आवाज जो काफी ज्यादा बढ़िया आती है, ऐसा लगता है किसी ने भाई गरारी चला रखी हो। ये देखो भाई साहब, ये ना एक बॉल में बन जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल सी बन गई हो। ओ भाई बस कर यार, ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई। ओ भाई इसको रिवर्स करके देखते हैं, माइंड ब्लोइंग, इतना क्यूट लग रहा था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा भाई, इसको देख के ना सही में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जो ये बबल निकल रहे ना भाई, ऐसा लग रहा है बबल मशीन नहीं है, बबल जनरेटर हो। ये देखो तो सही यार, इतनी बड़ी बॉल बन गई है, देखो मैं तोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ हिला के, ये टूटी नहीं है, तो भाई मैंने इसको और बड़ा कर दिया। ओ भाई रे, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये भाई साहब, सच में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ओ माइंड ब्लोइंग यार, ये देखो भाई साहब कितने ज्यादा बबल हो गए, कतई गजब यार, मतलब इसको देख के सही में भाई मजा आ गया, पूरा जो घर है भाई वो बबल से भर गया, मतलब जब आप नहाने जाओ ना तो अपना बबल बात ले सकते हो, पूरे को पूरे बकेट में टब में जो है ना भाई पूरे पूरे बबल भर लेना, ऐसा लगे कि बुलबुले जो है ना आपके पास आ गए हैं। और इसको जो ऊपर से भी छोड़ रहे थे तब भी इतने बढ़िया लग रहे थे, और ये अंधेरे में भी दिखते हैं, क्योंकि आप देखोगे ना तो इसके अंदर एक ऐसा सर्फ सा मिला रखा है जिसकी वजह से धूप के जब संपर्क में आता है तो ये एकदम रेनबो की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कि भाई कोई ना इंद्रधनुष वाले बबल निकल रहे हैं। तो अगर आपको इस तरीके के हेयर ड्रायर दिखने जैसा बबल मशीन गन पसंद है, जो कि बहुत आराम से दू 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 कर सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है बबल मशीन गन हेयर ड्रायर वाली, ताकि ये वाली हेयर ड्रायर वाली बबल मशीन गन आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गया हमारे हाथ में हमारा रोबोट इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3D लाइट्स भी लिखा हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा डिफॉर्मेशन वाला हेलीकॉप्टर है जो कि अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मर का लुक ले लेता है। ये देखो ये कुछ दिखने वाला है इस तरीके का बनने के बाद, इसके अंदर LED लाइट्स लेके इसके सारे फंक्शन चलते हैं, साथ ही में इसके अंदर म्यूजिक भी चलेगा, और ये एक रोबोट बन जाएगा जो काफी ज्यादा गुड लुकिंग लगेगा। तो इसके बॉक्स में सबसे पहले हमार को भाई मिला है ये इसकी विंग, जो कि एक राइट साइड की है और एक है लेफ्ट साइड की, और इसके बाद हमें इसके अंदर इसकी प्रोपेलर भी मिली है, जो कि इसकी भाई हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखुड़ी लगी होती है, ये वो है। और जब ये ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा तो इस तरीके से ना ये एकदम तलवार वाले लुक में दिखती है, जो कि इस तरीके से स्वॉर्ड की तरह मतलब खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है, यानी ओपन और क्लोज हो सकती है, और ये एकदम एक्स बनाती है, और जो कि ये घूमेगी तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर लगेगा। और उसके बाद ये एक छोटी प्रोपेलर हो रहा है जो कि इसके एंड में लगेगी, और ये है हमारा रोबोट वाला हेलीकॉप्टर। ये देखो तो सही भाई कैसा लग रहा है सेम ये, इसको देख के ना आपको वाली फीलिंग आने वाली है कि जो भाई वॉर पे निकलते हैं ना दू 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 करते हुए, ये वॉर वाला हेलीकॉप्टर हो। अब इसको फटाफट से पहले तो बनाते हैं। ये इसकी भाई छोटी वाली प्रोपेलर हमने लगा दिया है, और इसके बाद लगाएंगे हम इसके ऊपर इसकी बड़ी वाली प्रोपेलर कुछ इस तरह से। एक बार खोल के देखेंगे, ये देखो यार कितना ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत सुपर लग रहा है। और अभी
भी जब इसकी विंग्स लग जाएंगी तब ये और भी खतरनाक लगेगा। और ये देखो यार, इधर एलईडी बल्ब है तो इधर भी होना चाहिए, यहाँ पर भी एलईडी बल्ब है भाई, यानी कि इसके अंदर जो 3D लाइट निकलेगी वो काफी ज्यादा गजब की लगेंगी। और अब ये जो है भाई, हमारा हेलीकॉप्टर पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है। और इसके यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक व्हील देखने के लिए मिलता है, और इस साइड में भी, यानी कि इसके अंदर टोटल आपको दो नहीं बल्कि 3 व्हील मिलेंगे। तीसरा जो है ये सेम वही वाला भाई, जो कि 360 डिग्री गोल गोल घूम के इसको स्टंट करके दिखाने वाला है। ये पूरा गोल गोल घूम जाएगा नीचे वाले टायर के बेस पे, और अगर इसको लगेगा किसी से टक्कर होने वाले तो ऑटोमेटिक ही घूम भी जाएगा, क्योंकि इसके सेंसर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और यहाँ पर भी देखो एकदम ट्रांसपेरेंट कांच लगा हुआ है, तो भाई मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। और यहाँ पे एक LED पैनल है, क्या बात है। और छोटी छोटी देखो रॉकेट दे रखे हैं, और छोटी छोटी मिसाइलें भी दे रखी है, जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर LED भी लगी हुई है, यानी कि भाई इसके अंदर लाइट से लेके म्यूजिक वगैरह सब कुछ इसके अंदर चलेगा। और ये उड़ता हुआ आएगा भाई हमारे पास, जो कि भाई जमीन पर चलेगा। तो इसके अंदर भी हमारी कुछ बैटरीज लगेंगी, और जैसे ही हम इसके अंदर 3AA बैटरी लगा देंगे तो ये यहां से हो जाएगा ऑन। ओ वाओ भाई देखो, गोलियां चला रहे धु 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 करके, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मर बन गया। यहाँ पर LED लाइट चल रही है, और इसकी पंखड़ी भी चल रही है भाई, प्रोपेलर काफी ज्यादा उसकी लग रही है, मतलब मजा आ जाएगा इसको देख के। और ये देखो यार एक बार इसका आगे से लुक भाई, इसका फेस देख रहे हो कितना ज्यादा गुस्से में लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई यही सबको पीटने वाला। तो आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे। तो हमारा मिलिट्री वाला भाई साहब हेलीकॉप्टर आ चुका, और ये देख रहे हो मतलब रोबोट वाला भाई, लाल कलर की लाइट, हरी कलर की लाइट, नीले कलर की लाइट जल रही है। ये देखो अपने आप में अभी ना ये एकदम रोबोट बन जाएगा, जो कि एकदम ट्रांसफॉर्मर की तरह लगेगा। अभी जो है ना इसका रंग जो है यार ढंग से दिख नहीं रहा है, अभी दिन में जब इसको बाहर निकालेंगे तब देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये जो है ना एकदम ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का है, तो इससे दिख नहीं। और पीछे देखो यार ऐसा लग रहा है कोई इंसान खड़ा, उसने तलवारें लगा रखी है अपनी पीठ के पीछे। तो इसकी स्पीड देख रहे हो, मतलब कि ये दो पंखुड़ी पे भी चलता है, चार पे भी चलता है। और इसका म्यूजिक, ओए होए इसका म्यूजिक इतना प्यारा है यार, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है मिलिट्री की कोई लड़ाई चल रही हो। और ये देखो यार दिन में, मतलब दिन में बहुत ही ज़्यादा एकदम बवाल लगता है, इसका बहुत प्यारा लुक आता है यार। ये देख रहे हो कितना फैंटास्टिक लग रहा है, मजा आ गया यार गजब। ओ वाह यार कितना ही बढ़िया लग रहा है यार, इसकी पंखुड़ी देख रहे हो, प्रोपेलर घूमते हुए इतनी ज्यादा सुनी लग रही है भाई, क्या ही बताएं। ये आपके पास गोल गोल घूमता हुआ आता है, और इसके आगे की जो हेडलाइट है वो भी इतनी बढ़िया चल रही है, और इसका जो फेस है वो देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तलवार खोल के जैसे कि बार बार खड़ा हो जाता हो, सेम ऐसा लग रहा है कि भाई ये कोई एक फाइटर है, जैसे कि समुराई वाले होते हैं और पीछे स्वॉर्ड टांग रखी होती है ना, सेम वही वाला फील आता है तलवार वाला। और ये पंखुड़ी तो बहुत ज्यादा असली लग रही है यार भाई, मतलब ये जो है ना 02 मॉडल, ये काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और जब ये चलता है ना तो ये आगे से जाता भाई लेफ्ट में जाएगा, राइट में आएगा, और 360 डिग्री ना गोल गोल घूमता है ये नीचे वाले पहिए की वजह से, क्योंकि इसको जो है ना सेंसर का काम करता है। और यहाँ पर भाई रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर की लाइटें जल रही थी, और इतना ही नहीं जो इसके पीछे की टेल लाइट है, ये देखो यहाँ पर भी एक DRL टेल लाइट लगी हुई है, जो काफी ज्यादा तगड़े तरीके से चल रही थी। और भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा तगड़ी है, आज से पता चली गया होगा भाई, इसका लुक वाओ, इसकी लाइट्स वाओ, इसका साउंड वाओ, इसका तलवार वाला लुक भी वाओ, और ये पूरा जो हेलीकॉप्टर है जब ये रोबोट बनता है तो वाओ वाओ वाओ, यानी कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ निकला। अगर आपको भी ऐसे रोबोट इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर पसंद है, जो कि भाई अंधेरे में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये रोशनी के अंदर भी बहुत अच्छे से चलते हैं, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, डिजाइन वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक रोबोट हेलीकॉप्टर, ताकि ये वाला भाई इलेक्ट्रिक रोबोट हेलीकॉप्टर जिसकी अंदर 3 साल की पावर लगती है वो आपको गिव अवे हो सके। और अपनी क्लास और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, तो यार स्पेस की कमी ना हो इसलिए इसको इसके वापस बॉक्स में रख देते हैं। और अब बारी आती है हमारी मेटल की डाइकास्ट वाली एक ऐसी एम्बुलेंस कार की, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले भाई हमारी मैक्लारेन वाली सुपर स्पोर्ट्स कार, जिसके पीछे आपको 2 एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलने वाले इस साइड में, ऊपर इसका इंजन का कंपार्टमेंट है। और ये एक RC कार है जिसकी हेडलाइट जो है भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी चलने वाली है, और साथ में इतना ही नहीं भाई इसके जो व्हील वगैरह ना, ये देखो ये भी अलॉय व्हील बहुत ही ज्यादा सुपर दिखेंगे। और यहाँ पर डोर से लॉक से लेके इसके मिरर तक, इसकी भाई फ्यूल टंकी तक, सब कुछ प्रॉपर काफी ज्यादा असली लुक में दिखती है। और ये एक पॉश है जो कि आप में से काफी सारे लोगों ने देखी भी होगी ये वाली गाड़ी। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले हमारी लगने वाली है 3AA बैटरी कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पर एक बटन दे रखा है, इसको हमें ऑन करना है। और ये जो आप व्हील देख रहे हो, ये देखो ये इस तरीके से भाई राइट में भी जाता है और ये लेफ्ट में भी जाने वाली, यानी कि 360 डिग्री भी बड़े आराम से घूम सकती है। और देखो कितनी कूल लग रही है ना इस तरीके से रखी हुई, तो यानी कि बहुत मजा आएगा। लेकिन इससे पहले इसका एक रिमोट कंट्रोल है जिसके अंदर आपको 2 सेल लगाने कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर से आप इसको चला सकते हो कुछ इस तरह से। तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। ये देखो यार इसके टायर की स्पीड, और ये इसकी हेडलाइट भाई, क्या लुक लुक हो रही है भाई साहब। ओ भाई रे सचमुच में भाई इसकी जो स्पीड है यार, कतई बवाल भाई रे, कतई माइंड ब्लोइंग यार, ये काफी ज्यादा गजब है। और इसकी जो स्पीड है
कितनी ज्यादा प्यारी है यार, मतलब जूम जूम करती हुई जाती है और करती हुई आती है, और ये अंधेरे में भाई गोली की तरह आ रही थी, और इसकी हेडलाइट ओए होए इतनी प्यारी लगती है ना, जब अंधेरे में चलते तो पता रहता है कि हाँ भाई हमारी गाड़ी जो है वो किस जगह पे जा रही है, और ये आगे से लेके पीछे तक राइट प्रोफाइल, इसकी लेफ्ट प्रोफाइल, और जब ये टायर इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ता है ओए होए, ये इस तरीके से गाड़ी को घुमा देता है, क्योंकि पूरी की पूरी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कोई एक असली वाली पॉश कार घूम रही हो। तो अगर आपको भी इस तरीके की आसी कार पसंद है जिसको आप रात में भी चला सकते हो उसके हेडलाइट की वजह से, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना आरसी कार पॉश वाली, ताकि ये वाली पॉश कार आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपनी एक फोर्ड की मस्टैंग कार, जो कि आपने देखी होगी ट्रिपल एक्स मूवी में विन डीजल के पास, और इसकी तीन ये जो टेल लाइट बनी, इसी से आपको पता चल गया होगा कि ये इतनी शाइन क्यों मार रहे, क्योंकि भाई ये जो है ना ये एक स्पोर्ट्स कार है स्पीड अप वाली, जो कि आपने बिल्कुल सिल्वर कलर की देखी भी होगी, और इसका लुक वगैरह देखोगे तो ये देखो बहुत ज्यादा रियल लगती है यार ये काफी ज्यादा, और इसके टायर वगैरह भाई अपोलो और एमआरएफ को भी फेल कर देते हैं, और ये जो है ना ये देखो पुश बैक है, मतलब पीछे खींचोगे और ऑटोमेटिक ये आगे आ जाती है, जो कि भाई बड़े आराम से कहीं भी चढ़ सकती है और बड़े आराम से भाई ये किसी भी ढलान से उतर भी सकती है, तो इसका भी एक लाइव डेमो तो बनता ही है, तो आ जाओ एक लाइव डेमो पे। तो ये हमारी फास्ट एंड फ्यूरियस वाला एक अलॉय मॉडल आ गया, जो प्रॉपर मेटल की सेडान कार है, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है वो भी फोर्ड मस्टैंग वाली, और इसका लुक से ही आपको पता लग गया होगा जो ट्रिपल एक्स मूवी में जो विन डीजल ने चलाई थी ये सेम वही वाली है, इसीलिए इसकी सीट के पीछे भी आपको ट्रिपल एक्स देखने के लिए मिल जाता लिखा हुआ, और ये जो है ना भाई जब चलती है तो ऐसा लगता है कि भाई ये हवा से बातें कर रही है, और ये देखो मतलब गिरने पर भी ना ये जल्दी से गिरेगी नहीं, और अगर ये गिर भी जाती है तो ये टूटती नहीं है, इसीलिए तो ये डाईकास्ट है मेटल का होने का यही तो फायदा होता है, और इसको ऊपर से देखो चाहे दाएं से देखो बाएं से देखो बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कि अरे जैसे असली वाली गाड़ी नहीं होती सेम वैसे, और ये देखो कैसे आके एकदम कोने पे आके टक गई, और ये इतनी सुपर है ना, मतलब कि जो इसके टायर के जो वो हैं वो सारी की सारी पुश बैक है, पीछे की तरफ खींचो और अगर पार आ गए तो भाई ये साए साए जाती है गोली की तरह, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी यार ये जूं, जूं, काफी ज्यादा स्पीड में आती है और काफी ज्यादा स्पीड में जाती है, और जब ये इस तरीके से धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी ना तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, और भाई इसका जो पूरा लुक है ना ये देखो टंकी तक इन्होंने काफी ज्यादा असली डिटेल में बना रखी है, लेकिन भाई अगर इसके दरवाजे खुलने वाले होते ना, यानी कि इसके अंदर वो फंक्शन होता जो ओपनेबल डोर का होता है, तो ये और भी ज्यादा गुड लुकिंग लगती है, और ये सोने पे सुहागा बनाई थी इस कार को, लेकिन फिर भी भाई ये स्पोर्ट्स कार है तो यानी कि इसके नसीब दो ही लोग बैठ सकते हैं, टू सीटर गाड़ी है, और अगर आप लोगों को इस तरीके की मेटल की डाईकास्ट गाड़ियां अच्छी लगती है जिनकी रेस भी काफी अच्छी होती है और ये लगती भी बहुत असली है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है फोर्ड की मस्टैंग कार, ताकि ये वाली फोर्ड की मस्टैंग आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। जगह पे रखने के बाद ये ले लिया हमने भाई एक काफी ज्यादा महंगे और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मॉडल, जो कि एक सुपर 89 और एक है किंग 21, और उससे पहले देखेंगे हम एक ऐसी एम्बुलेंस कार, जो कि भाई इंडिया में एक ऐसा हॉस्पिटल है जिन्होंने हमर कार को ही बना डाला है भाई एक एम्बुलेंस, और ये आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके शीशे वीशे आप देखोगे बहुत ज्यादा असली है, इसकी स्टफनी भी देखोगे काफी ज्यादा बढ़िया, और ये रोटेटेबल है यानी कि घूम जाती है, तो इसको जो है ना आप बड़े आराम से घुमा के उतार सकते हो, और अगर आपको कोई सा टायर कभी पंचर हो जाए या कभी खराब हो जाए तो आप उसको खोल के और इसको निकाल के यहाँ बांध सकते हो, और इधर देख सकते हो कि यार डीजल से लेके पेट्रोल तक डालने के लिए एक फ्यूल टंकी की भी डिटेल कितनी असली है, और एम्बुलेंस की भाई स्पेलिंग तक बहुत असली लिख रखी है इन लोगों ने, और ये देखो यहाँ से बड़े आराम से भाई ड्राइवर बैठ के गाड़ी चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है, साथ ही में पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा सिल लुक है, यहाँ पर भाई पैर रख के आप चढ़ सकते हो अंदर की तरफ, और ये देखो पूरी की पूरी डिटेल जो है इसकी काफी ज्यादा बढ़िया, और ऊपर एक पैनोरमिक सनरूफ देखने के लिए मिल रहा है, ये कांच है जिसके नीचे आपको सीट वगैरह देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर भाई एक सायरन तक दे रखा है जो कि बीच में सिल्वर कलर है, और इसके आजू बाजू स्काई ब्लू और एक रेड कलर की एलईडी जैसा पैनल लगा रखा, ताकि ये आपको ना एकदम असली वाली डिटेल दे, और ये आगे का शीशा देखो यार कितना लैंडस्केप है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड है, और ये देखो कितनी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि ये एक प्रॉपर एसयूवी है हमारा, तो इसलिए इसके टायर से बहुत ज्यादा ऊंची रहती है, इसकी हेडलाइट वगैरह बहुत सॉलिड है, और यहाँ पर भी एक कांच का मटेरियल लगा हुआ है, और ये पूरी की पूरी गाड़ी मेटल की होने वाली है, यानी कि डाईकास्ट, जिसके अंदर दो लोग नहीं बल्कि 12 लोग टोटल बैठ सकते हैं, यहाँ भी सीट है और लास्ट में भी सीट बनी हुई है, और सबसे अच्छी चीज के इसके अंदर आपके तीन छोटे वाले कैप्सूल सेल लगते हैं जो हमारी वॉच में लगते हैं, जिसकी वजह से इसको मिलने वाली है रफ्तार, और ये बड़े आराम से किसी भी ऊंचाई पर चढ़ जाती है, और ऐसी भी होने की वजह से कहीं से भी उतर भी जाती है, और अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो भाई टायर पीछे खींचो ये पुल बैक बन जाती है, तो आ जाओ एक लाइव डेमो पे। हॉस्पिटल वालों के पास
इतने सारे पैसे के उन लोगों ने भाई एक हमर कार को जो एम्बुलेंस बना डाला, और ये काफी ज्यादा सुपर लग रही है, और ये मेटल की डाइकास्ट होने की वजह से 5 टायर की आती है, तो ये हुआ एकदम असली वाली हमर लग रही है। और जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ये देखो भाई इतनी प्यारी लग रही है, मतलब आपका दिल आ जाएगा इसके ऊपर, इसको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये गिरती भी नहीं है क्योंकि इसके चारों पहिए अलग चलते हैं, क्योंकि ये एक 4x4 वाली RC हमर है जो कि मेटल की डाइकास्ट गाड़ी है यार, बहुत अच्छी यार। इसने तो भाई दिन बना दिया, इतना ज्यादा प्यारा है ना, और ये इतनी स्पीड में भागती है, इसके टायर देख रहे हो मतलब स्पिनर की तरह जूं जूं करके चलते हैं, और ये भाई साइड से लेके पीछे से लेके आजू बाजू तक प्रॉपर एकदम असली वाले लुक की तरह दिखती है, और ये असली वाली हमर है। तो इसको देख के भाई सही में सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ तो आपके मुंह से निकलेगा ही। तो अगर आपको भी इस तरीके की मेटल की एम्बुलेंस पसंद है जो काफी ज्यादा रियल लगती है नीचे रखने पे, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाओ लिखना, और उसके आगे आपको लिखना हमर वाली मेटल की एम्बुलेंस, ताकि ये वाली डाइकास्ट एम्बुलेंस आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और ये हमारे जो दो मॉडल रह गए थे, ये भाई स्पीडी 21 है, इनके जो टायर्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि आप अगर आप दूर से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये टायर पूरे के पूरे बाहर निकले, लेकिन एक्चुअल में ना ये देखो इसको उल्टा करते आपको पता चलेगा कि ये आधे से ज्यादा टायर तो अंदर की तरफ में धसा हुआ है। और ये एक Formula 1 बेस्ड कार है, यानी कि एक पावर रेसिंग वाली कार है, और ये भी भाई पुल बैक फंक्शन के साथ आती है। इसके अलॉय व्हील देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं, छोड़ते ही जो है ना गाड़ी गोली की तरह जाती है और गोली की तरह आती है। और ये एक ऑरेंज कलर की King 21 है, और साथ ही में अगर आपने नाम सुना होगा स्पीडी MPH का, तो ये वो ही वाला मॉडल है। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नाम सुना हुआ है, तो अपने नाम के आगे वॉलिक देना, उसके आगे लिखना King 21, ताकि ये वाली गाड़ी आप लोगों को गिव अवे हो सके। और हमारी जो है भाई Rave 89, ये Formula 1 की बेस्ट कार है, जिसके ऊपर अगर आप देखोगे तो इसको एक बार पीछे घुमा के देखते हैं, ये देखो इसके ऊपर ड्रैगन वाले डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि उनकी खाल होती है ना ड्रैगन की, सेम वही डिजाइन है। और यहाँ से इस तरीके से घुमा रखा है, यहाँ से इस तरीके से घुमा रखा है, और इसके तो टायर भाई दिखते भी नहीं है। देखो यहाँ पर इसका टायर जो कि बड़ी मुश्किल से दिखेगा, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, और ये वाला जो टायर है ये भी नीचे से इतना ही दिखता है, मतलब ऐसा लगेगा कि इस गाड़ी के नीचे टायर ही नहीं है, तो ये गाड़ी चल कैसे रही है। लेकिन जैसे आप इसको सामने से देखोगे तब भी नहीं पता लगेगा कि भाई ये गाड़ी चल कैसे रही है जब इसके अंदर टायर नहीं है। बस इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाना तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा टायर 70% टायर इसका अंदर की तरफ धसा हुआ है, और उल्टा करोगे तब पता चलेगा आपको कि हाँ भाई एक्चुअल में इसके अंदर तो व्हील्स भी लगे हैं, वो भी बहुत ही प्यारे वाले एलॉय व्हील लगे हैं जो कि सिल्वर कलर यानी चांदी की तरह चमकते हैं। और ये भी एक फुल बैक गाड़ी है, जिसको अगर हल्का सा भी पीछे खींचते हैं तो ये इस तरीके से गोली की तरह चलने लग जाती है। और भाई सब लोग कहते हैं कि भाई ये तो मैजिक कार है, तो मैजिक कार नहीं है भाई, ये 89 वाली कार है जो काफी ज्यादा फेमस है, इसीलिए क्योंकि इसके टायर ना छुप जाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से ऐसी कार पसंद है जिससे आप लोगों के साथ प्रैंक कर सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना 89 वाला मॉडल कार, ताकि ये वाली 89 मॉडल कार आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो फाइनली ये आखिरकार आज आ ही गया भाई, ये बाहर से ताइवान से मंगाना पड़ा क्योंकि जापान में तो मिला ही नहीं था। और आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट यो-यो, जिसके लिए आप बहुत सारे कमेंट कर करके थक गए थे। तो फाइनली ये काफी सारे पीस आ चुके हैं, और ये जिन जिन लोगों को आज गिव अवे होने वाले हैं उनकी वाकई में बहुत ज्यादा लॉटरी लगने वाली है। तो भाई इसके अंदर एक इस तरीके से आपको रोप मिलते हैं जो कि आपको पता भी आपको आता है चलाना, तो ये इस तरीके से लट्टू की तरह बन जाता है टाइट होके, और जैसे आप छोड़ते हो तो ये जूम करके नीचे जाएगा, और ऊपर की तरफ खींचोगे तो जूम करके ऊपर आके ऑटोमेटिक ये रस्सी से खुलता है, और इसी रोप में वापस बंद भी जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट है ना कांच का, तो इसके आर पार आप सब कुछ देख सकते हो, जैसे एलिफेंट वाली बबल मशीन गन देख सकते हैं, पॉपेट देख सकते हैं, और ये काफी ज्यादा बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज इसकी मुझे क्या लगी कि अगर आपको ये कभी लूज हो जाता है तो इसके अंदर आपको एक स्क्रू देखने के लिए मिलता है, वो भी भाई मेटल वाला, जो कि भाई आपकी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी कर देगा। इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर लगाना और भाई इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना जब भी आपका ये ढीला हो जाए, तो ये कांच का होने की वजह से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से काफी ज्यादा कूल भी लगता है, और ये आपके पॉकेट में भी बड़े आराम से आ जाएगा, और हाथ में भी आप इसको देखो छुपा सकते हो। तो मैडम बोलेगी भाई अभी तो हाथ में कुछ था तो बोल देना मैडम, कुछ भी तो नहीं है। तो ये एक ट्रांसपेरेंट जो कि भाई आर पार दिखता है, और जब ये चलता है ना सही में काफी कूल लगता है, क्योंकि ये काफी कम लोगों के पास होता है, तो इस वजह से ये बहुत प्यारा लगता है, और ये आता है इस तरीके से एक टायर के डिजाइन में। तो अगर आपको ऐसे वाले महंगे वाले यो-यो पसंद है जो कि ट्रांसपेरेंट कांच के बने हुए होते हैं, और इसके अंदर भाई एक लोहे का स्क्रू भी लगा होता है जिसको आप टाइट करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है जापान वाला यो-यो, ताकि ये वाला यो-यो जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आगे भाई हमारे हाथ में आज का शार्पनर और पेंसिल। तो सबसे पहले शार्पनर देखेंगे, यहाँ पर एक फोटो तो आ ही चुकी है, और एक फोटो आपकी भी खींच लेते हैं, तो स्माइल प्लीज। तो भाई यहाँ पर एक और यूनिकॉर्न की फोटो आ गई, यानी कि जब भी हम अपनी फोटो खींचते हैं तो इसमें यूनिकॉर्न की फोटो आ जाती है। एक्चुअल में ये एक डमी कैमरा शार्पनर है जिसके पीछे आपको एक इमेज देखने के लिए मिलती है, जो कि भाई अपने कैसल के आगे यानी महल के आगे इंद्रधनुष के ऊपर कूद रहा हमारा यूनिकॉर्न। ये राइट लेफ्ट करने के लिए बटन है, और ये प्लस माइनस के जो है ये जूम इन और जूम आउट करने वाले बटन है। यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग भी आ रहा लिखा हुआ, जैसे कि ये वीडियो शूट कर रहा है सारी की सारी। और आगे जो है यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न देखने के लिए मिलता है, नीचे आप छोटी पेंसिल खींच सकते हो, यहाँ पर बड़ी पेंसिल, जिससे कि आप जो है ये सारा का सारा अपने कलर हो गए, पेंसिल क्रियॉन्स हो गए,
आपके स्केच कलर्स हो गए, सब कुछ आप इसके अंदर छील सकते हो, बड़े वाले में, छोटे वाले में भाई पेंसिल छिलेगी सिर्फ। और यहाँ पर जितना भी डस्ट है वो सारा इसमें भर जाता, ताकि आप अपने फ्री पीरियड में लंच में उसको डस्टबिन में डाल सको। और साथ ही में ये दो बहुत ही तगड़ी वाली पेंसिल जिसके ऊपर आपको इमोजीज देखने के लिए मिलते हैं, किसी में स्माइल है, किसी में सैड फेस, किसी में एंग्री, किसी में क्यूट बन रहा है, सीटी मार रहा साइड से। और भाई नीचे की तरफ देखोगे तो इसके ऊपर भाई पपाया से लेके स्ट्रॉबेरी तक बने हुए हैं, बनाना बना हुआ है, वाटरमेलन है, काफी सारे अलग अलग फ्रूट बने हुए हैं, और इसके ऊपर भाई चाइनीज या जैपनीज कोई भाषा भी लिखी हुई है। और ये पेंसिल वही वाली है जिसको कि आप जो है भाई बड़े आराम से यूज कर सकते हो, और जब आपकी पेंसिल खत्म हो जाए तो इस टिप को निकाल के भाई पीछे की तरफ से जो है हल्का सा पुश करना होता है, ताकि आपकी नोक जो है दोबारा से बाहर आ जाए। तो अगर आपको भी ऐसी पेंसिल पसंद है जो भाई कभी जल्दी से खत्म नहीं होती, और दूसरा अगर आपको शार्पनर भी पसंद है फैंसी वाले, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है यूनिकॉर्न शार्पनर एंड इमोजी टू पेंसिल, ताकि ये दो इमोजी वाली पेंसिल और एक शार्पनर आपको गिव अवे हो सके। तो ये आ गई हमारे हाथ में हमारी दो प्रैंक वाली लेजर लाइट, और ये दोनों की दोनों मेटल की है, इसी वजह से काफी ज्यादा भारी भी है, और इसका जो लुक है बहुत ही ज्यादा सुंदर भी है, क्योंकि ये आप देखोगे ना तो ये इस तरीके से भाई कीचेन की तरह, ये आप किसी भी अपनी स्कूल की चाबी में डाल सकते हो, उसको छल्ला बना सकते हो, साथ ही में बाइक का चाबी का, या फिर आप अपनी साइकिल का भी चाबी का छल्ला बना सकते हो। और ये देखो ये बटन भी मेटल के हैं दोनों के दोनों, और ये पूरी बॉडी बीच की इसकी मेटल की है, पीछे वाली टिप मेटल की है, इसका लॉक इसकी चैन मेटल की, और नीचे वाली जो आप बॉटम देख रहे हो ये भी पूरा का पूरा प्रॉपर मेटल से बना हुआ है। और इसकी लेजर लाइट भी बहुत तेज है, इतनी तेज है कि ये मतलब कि कैमरे के लेंस को खराब करने के लिए सफिशियंट है, यानी कि ये योग्य है उसके, कि ये बड़े आराम से भाई किसी भी कैमरे के लेंस को खराब कर सकती है। और नीचे बस एक बार ये वार्निंग और पढ़ लेना जिसपे डेंजर लगा, यानी कि पीछे का बटन दबाओगे तो भाई आप बच जाओगे, क्योंकि ये जो है ये जलेगी लेजर लाइट। और अगर गलती से आगे वाले बटन दबा दिए तो भाई फिर मोए मोए होनी पक्की है। तो भाई इससे भाई किसी के साथ जल्दी से प्रैंक वगैरह मत करना। अगर आपको इस तरीके से कीचेन वाली और मेटल की भारी वाली लेजर लाइट पसंद है प्रैंक वाली, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना रेड एंड ब्लू वाली प्रैंक लेजर लाइट, ताकि ये दोनों जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है भाई कैप्टन अमेरिका वाली ज्योमेट्री पाउच की, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया, और पीछे आपको एवेंजर्स देखने के लिए मिलता है जहां पर लिखा हुआ है द मोस्ट स्पेक्टेक्युलर, और इसकी जो चैन है ये बहुत बढ़िया होने वाली है। देखो यहां पर पहली बात तो आपको एक शील्ड देखने के लिए मिलती है जो काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है, और साथ ही में इसकी जो चैन है ना ये भी बहुत प्यारी है, क्योंकि यहां पर आपको स्टार देखने के लिए मिलता है, और इसकी जिप जो है ये एक दिल वाले आकार में बनी है, हार्ट वाले में, जिसकी चैन भी नहीं खराब होती। और इसके अंदर स्पेस तो देखो भाई, मतलब इतना बढ़िया दे रखा है ना कि यहाँ पर आपके 12 स्केच कलर आ सकते हैं, प्रकार डी कंपास वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएगा, पेंसिल इरेजर शार्पनर, इतना ही नहीं भाई इसके अंदर ना आप इस तरीके से अपनी लेजर लाइट वगैरह भी बड़े आराम से इसके अंदर रख सकते हो देखो। और अगर चाहो तो भाई पैसे वगैरह भी रख सकते हो, क्योंकि ये पिगी बैंक की तरह भी काम करने वाला, तो ये मार्वल की तरफ से आने वाला कैप्टन अमेरिका का 3D प्रिंट में, जो काफी ज्यादा HD और 3D भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये हमें भाई पंच करने वाला है, लेकिन ये हमारा दोस्त है तो हमको तो पता ही है कि हमसे ज्यादा जो है ये आपको अच्छा लगता है। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना कैप्टन अमेरिका ज्योमेट्री पाउच 3D वाला, ताकि ये 3D प्रिंटेड जो काफी ज्यादा HD है ये वाला ज्योमेट्री पाउच आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। तो आप देखने वाले हम अपनी BTS की स्टेशनरी किट, लेकिन ये इससे पहले जो इसके ऊपर लिखा ये भाई सुपर बबल वाटर, यानी कि बबल गम लिखा हुआ इसके ऊपर, लेकिन ये एक बबल वाटर है जिसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड है। तो आप समझ जाओ कि ये वाला जो बबल वाटर है ये काफी तगड़े वाले झाग बना सकता है। और इसके लिए पता सबसे अच्छी बात क्या है कि ना तो आपकी बैटरी लगेगी, ना ये कोई इलेक्ट्रिक बबल गन है, ये है भाई एक एलिफेंट वाली 3D बबल गन जिसके यहाँ पर साउंड है, देख रहे हो, मतलब इस तरीके से ना अपने आप चलाना होता है इसको, और भाई ये काफी तगड़े तरीके से भी चलती है। बस इसके अंदर जो है ना ये आप कैप देख रहे हो, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बबल लेना होता है, उसके बाद ये वाली जो गन है इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना होता है, और उसके बाद भाई इस तरीके से ना इससे बबल बनाने होते हैं। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे लाइव बनाएंगे हम बबल। तो ये आ चुके हमारे हाथ में भाई एकदम ब्रांड न्यू वाली बबल गन, और ये सॉल्यूशन में डाल दो, ये कितना बड़ा बबल फूटा है भाई, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड भाई, एक बार ना और रिवर्स करके देखते हैं, एक बार, ओ माय गॉड यार क्या गजब चीज है ये, मजा आ गया, ओ भाई साहब क्या ये तो चीज है यार, ये मतलब बड़े ही ज्यादा गजब की चीज है। और इसके जो झाग ना ओए होए, मतलब भाई ऐसा लगता है कि क्या ही बबल बना रही है, और ये पता है एक बिग बबल भी बना सकती है, मतलब इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लग रही है, ना कोई इसको पावर मिली, ना ये इलेक्ट्रिक है, बस इसके अंदर छोटी सी मोटर है, वो भी हम जो अपने हाथ से चला रहे हैं, उसके बावजूद भी भाई ये इतने तगड़े बबल निकाल देती है, जो कि मतलब पूरा मजा देती है। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये नोजल बहुत अच्छी दे रखी है, ये जो लाइन है ना भाई एक्चुअल में यही ना पता इस तरीके से पैटर्न बनाती है कि थोड़ा थोड़ा बबल वाटर अपने अंदर फंसा लेती है।
और फिर जैसे ये बटन दबाते ना तो यहाँ से फूक निकलती है जिसके से भाई बबल बन जाते हैं बहुत ही ज्यादा गजब के। और ये एलिफेंट भी देखो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, कुछ कुछ यार सही में ये काफी ज्यादा क्यूट है। तो सो क्यूट सो अमेजिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ एलिफेंट। तो अगर आपको इस तरीके के बबल मशीन गन पसंद है जिसको आप मैनुअली अपने हाथ से चला सकते हो तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है एलिफेंट वाली बबल गन, ताकि ये वाली बबल गन जो कि सुपर बबल गम वाटर के साथ आती है ये आपको गिव अवे हो सके दोनों की दोनों। तो इसको रखते हैं इनकी जगह पे। तो भाई मेटल वाले स्पिनर काफी देखे होंगे लेकिन आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा मिक्स वाला स्पिनर जिसके अंदर एक दो तीन नहीं बल्कि टोटल पांच स्टील के कंचे लगे हैं और जो इसके अंदर बैरिंग लगी है ना वो इसके अंदर प्लास्टिक की लगी है। तो मतलब खुद से समझ लो कि ये भाई ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, लेकिन भाई प्लास्टिक का है तो भाई इसलिए स्पीड भी थोड़ी कमी होगी। तो 1 2 3 एंड गो। तो देखते हैं भाई ये कितनी देर टिकने भाई मैंने तो टिकने ही बोला था, इतने में ही बंद हो गए। यानी कि यार इसकी तो स्पीड बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ 4 सेकंड भी नहीं चलने वाला, मतलब आप समझ रहे हो ये 2-3 सेकंड का ही मेहमान है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको बिना बेयरिंग वाले को चला सकते हो वो भी 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, तो यार भाई अब तो आपको चैलेंज मिल चुका है कि अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर इसको चला सकते हो वो भी प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है प्लास्टिक वाला स्पिनर चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाला जो है भाई आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले लिया भाई हमने अपनी एक 4x4 वाली हमर और ये देख रहे हो भाई यहाँ पर आपको चढ़ना है और ये गेट ऐसे खोल के यहाँ बैठ के गाड़ी चलानी है और ये जो सीसी है यहाँ पर आपके फ्रेंड बैठेंगे, यहाँ पर हम सब बैठ जाएंगे और इसके पीछे तो भाई स्टेपनी के साथ साथ कवर भी दे रखा है, यानी कि भाई इसको भी स्क्रू ड्राइवर से खोल के आप अपने टायर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। क्या ही तो फंक्शन है भाई, मतलब टोटल 12 लोग बैठ सकते हैं और इधर भाई हमें बिठा लेना। और ऊपर आपको एक कांच वाली पैनोरमिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है ताकि भाई धूप से जो है आपको छाया मिल सके गाड़ी के अंदर, काफी तगड़ी वाली क्वालिटी में बना हुआ है। और साथ ही में इसको इस तरीके से घुमा के जब आप आगे से देखोगे तो आपको पता चले कि यहाँ पर भी एक इन्होंने काफी तगड़ा वाला काम कर रखा है जिसकी वजह से ये प्रॉपर एसयूवी लग रही है, मतलब की प्रॉपर हमर लग रही है। और ये मेटल की डाईकास्ट है ना तो ये कहीं पे भी बड़े आराम से चढ़ जाएगी और ढलान होने की वजह से भाई ये उतर भी जाती है और थोड़ा पुल बैक करोगे तो ये बड़े आराम से चलती हुई है। तो आ जाओ एक लाइव डेमो पे। ये आ चुकी है भाई हमारी 4x4 वाली एक प्रॉपर एसयूवी, यानी कि हमारी मेटल की डाईकास्ट वाली हमर, और ये जो है काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है और इसका जो लुक है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर ट्रक नहीं होता, सेम वैसी लगती है एकदम दमदार सी। इसके अंदर वाले डोर खुलते हैं, इसके जो फंक्शन है बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं डोर वाले, और साथ ही में जो इसकी रफ्तार है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। साइड से जाते हुए देखो, आते हुए देखो या पीछे से इसका लुक देखो, प्रॉपर काफी ज्यादा ही तगड़ा लगता है। और ये जो है ना भाई जिसके पास जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोई छोटी सी गाड़ी है, बहुत ही ज्यादा गजब है, मजा दिला देती है ये भाई। करने वाली है गाड़ी आपका बहुत मनोरंजन, जूम जूम करती हुई जाती है, जूम करती हुई आती है, इसीलिए इसकी जो स्पीड है हमें काफी ज्यादा भाती भी। अगर आपको भी इस तरीके की भाई 4x4 वाली एसयूवी पसंद है, थार पसंद है, स्कॉर्पियो पसंद है और आपको अगर हमर भी पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे भाई वाव लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली डाईकास्ट हमर कार, ताकि ये वाली हमर कार आप लोगों को गिव अवे हो सके। ध्यान रखेंगे ये जो ये हमर कार है और वो हमर की एम्बुलेंस है, तो आपको लिखना होगा हमर कार और उसके लिए हमर एम्बुलेंस, ताकि वो भी आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो भाई अब जो है हमारा एक ऐसा ट्रक आने वाला है जिसके ऊपर इन लोगों ने भाई एक रॉकेट लॉन्चर लगा रखा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल भाई 8 तो मिसाइलें हैं जो इस तरीके से बंद हो जाती है, खुल भी जाती है और अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से निकाल भी सकते हो इस तरह से, और ये वापस से अगर आपको लगाना है तो देखो ये यहाँ पर ऐसे स्लाइड करना और इसकी जगह पे इसको फिक्स कर देना। तो भाई ये काफी ज्यादा तगड़ा, अगर ऊपर से कोई वॉर कर रहा है ना हमारे ऊपर, कोई अटैक कर रहा है तो इस तरीके से इसको पीछे करेंगे करके भाई ये जो है ना सारी की सारी मिसाइलें सामने वाले के ऊपर दाग सकते हैं। और इसके टायर वगैरह भी आप देखोगे तो काफी ज्यादा मोटे हैं और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ग्रीन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और ये एक आर्मी वाला ट्रक है जिसकी स्पीड तो भाई मेरे को लग रहा है काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो यार क्यों ना इसका एक लाइव डेमो लें। तो आ जाओ एक लाइव डेमो पे। हमारा मिलिट्री ट्रक आ चुका है, यानी कि हमारा आर्मी वाला रॉकेट लॉन्चर ट्रक, जो भाई आजू बाजू से देखने में इतना प्यारा लग रहा है, क्या ही बताओ। ये देख रहे हो इसको टायर जो है ना इतने असली लग रहे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। तो भाई लेफ्ट राइट में जिस तरफ से भी जाता है एकदम ऐसा लगता है कोई असली का ट्रक। ओ भाई साहब ये क्या है भाई। ये देख रहे हो बताओ, ये तो भाई गाड़ी थकी नहीं रही है, इसके जो टायर की स्पीड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है और भाई इतने प्यारे लगते हैं ना इसके टायर चलते हुए, ऐसा लगता है कि हमारी तरफ ही आ रही है। और ये जो आर्मी का मिलिट्री ट्रक है ये काफी ज्यादा सॉलिड है और ये स्पेशली भाई आर्मी वालों के लिए ही है। तो अगर आपको इस तरीके से आर्मी की गाड़ी अच्छी लगती है जो कि भाई नीचे रखने पे भी बहुत तगड़ा फील देती है और इससे आप खेल भी सकते हो हाथों से, तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे वो
कॉल लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है आर्मी वाला ट्रक, ताकि ये वाला ट्रक आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ गया हमारे हाथ में एक ऐसी गन जो काफी ज्यादा बड़ी है, जिसके यहाँ पर भाई दो नोजल दे रखे हैं, यानी कि इसके अंदर एक साथ आप दो बुलेट लोड कर सकते हो। और ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई नोज है जैसे कि भाई बहुत ही प्यारी कार्टून वाली होती है वैसे दिख रही है। इसकी जो मटेरियल है भाई वो भी काफी ज्यादा सॉलिड और काफी ज्यादा पक्का मटेरियल का ये बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो इतना अच्छा स्पेस दे रखा है ना इन लोगों ने, बड़े आराम से इसके अंदर भाई फिंगर डाल के आप ट्रिगर कर सकते हो और भाई लोड करने का दाएं दाएं कर सकते हो। और लोडिंग वाला सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, ये देखो वो तो कितनी तेज आवाज है भाई सुपर है। और इसके अंदर भाई एक साथ दो बुलेट लगा सकते हो और एक ही बार में चला सकते हो। देखो एक बार चली, ये देखो ये दूसरी बार, तो अब समझ गए एक बार इसको हम सिर्फ लोड करेंगे और ये भाई दोनों की दोनों बुलेट को ना अंदर की तरफ खींच लेती है, जिसके बाद पहले एक बुलेट चलेगी फिर चलती है दूसरी वाली बुलेट। तो भाई इसका तो एक लाइव डेमो बनता है, लेकिन उससे पहले इसकी एक खास बात क्या होने वाली कि इसके अंदर आप भाई ये वाला डार्ट भी लगा सकते हो जो कि निशाने मारता है, और ये वाली सॉफ्ट बुलेट भी लगा सकते हो जो टाइल से लेके शीशे तक दरवाजे तक किसी भी चीज पे चिपक जाती है। ये लगाई हमने पहली बुलेट और ये इसके अंदर लगा दी दूसरी बुलेट। अब इसको लोड करेंगे, ये देखो भाई कितनी ज्यादा टाइट लग चुकी है, ये देखो पहली और ये दूसरी दोनों की दोनों निकल के गिर गई। तो भाई आ जाओ इसके एक लाइव डेमो पे। तो हल्क ने ले लिया है पंगा बैटमैन से, तो हमने इसको कप के महल पर बिठा दिया और हम अपनी गन लोड करने वाले और हल्क को उड़ाने वाले हैं। ओ भाई क्या साउंड है, ओ यार बच कैसे गया, एक और मारेंगे क्या बात है भाई साहब, इसकी तो हमने टाइट टाइट फिश कर दी। अब हम इसको जो है ना अपनी दीवार पर चिपकाने वाले हैं, ये देखो ओ वाओ लाइक इट माइंड ब्लोइंग भाई, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। और इसके जो निशाने हैं भाई वो तो पूछे ही मत, मतलब इतनी सुपर लगती है ना ये, और ये इतनी बड़ी है कि ना यार पूरा का पूरा कलेक्शन ढक दे, इसलिए इसको ना इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है बार बार कि ये जो भाई आप इसको देख के पता लगा सको कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने वाली है। तो भाई अगर आपको इस तरीके से बड़ी गन अच्छी लगती है बहुत वाली, जो कि आपको भाई पकड़ने में भी बहुत ज्यादा इजी रहती है और इसको बड़े आराम से आप ट्रिगर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत मिलता है, तो भाई उंगली भी नहीं दर्द होने वाली। और इसको अगर आप चाहो तो अपनी कमर के पीछे भी इस तरीके से छुपा सकते हो, ऐसे निकाल के दाएं 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 कर सकते हो ये नरास्कल माइंडेड की तरह। तो अगर आपको इस तरीके से भाई बिग वाली गन बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके निशाने हमसे भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप भाई कप का महल से लेके हल्क वगैरह को किसी को भी उड़ा सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिखना और उसके आगे आपको लिखना है बिग गन, ताकि ये वाली बिग गन आप लोगों को गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। यहाँ से आ चुका है हमारे हाथ में एक ऐसा बॉटल वाला स्लाइम जो कि आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर भाई क्या जेली भरी हुई है, लेकिन ये एक वाटरमेलन फ्लेवर वाली स्लाइम है जिसके कैप खोलते ही आपको जो है भाई एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है, जिसके साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये देख रहे हो, इतना खेलने के बाद भी ये नहीं चिपकी, यानी कि इसके अंदर भाई फेविकोल वगैरह गोंद वगैरह कुछ भी नहीं मिला हुआ। और इससे आप भाई बहुत देर तक बड़े आराम से खेल सकते हो, ना तो ये आपकी ड्राइंग को खराब करने वाली, ना ही आपकी शर्ट को खराब करने वाली, ना ही आपके हाथ को खराब करेगी, क्योंकि ये चिपकती नहीं है। और वापस से खेलने का इसको वापस से इसी बोतल में भी डाल सकते हो, तो यानी कि रखने के भी झंझट नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर ढेर सारी चमकीली मिलती है जो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, और भाई इतनी ग्लिटर के साथ तो मतलब मजा आ जाएगा। मतलब भाई एक तो खुद बोतल वाली है, दूसरा इसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है वाटरमेलन वाली, ऐसा लगेगा कि वाटरमेलन का जूस है या जेली है, और तीसरी इसके अंदर चमकीली है। तो अगर आपको इस तरीके की भाई 3-in-1 वाली स्लाइम पसंद है जो काफी ज्यादा बढ़िया होती है, तो आपको अपने नाम के आगे वाओ लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है वाटरमेलन वाली स्लाइम, ताकि ये वाली भाई बॉटल स्लाइम आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर चैलेंज नहीं खत्म हो रहे तो ये आ गई है एक वाटर गेम जिसके यहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं, यहाँ पर भी 4 बटन मिलते हैं, लेकिन चलते ये एक ही साथ है। तो भाई इसके अंदर ऑलरेडी 3 छल्ले डले हुए हैं जिसके पीछे आप एक सीनरी देख रहे हो, यहाँ पर एक फिश बनी हुई है, यानी कि पूरा इन्होंने एक समुद्र वाला लैंडस्केप बना रखा है, ताकि इस फोटो को देख के मजा आ जाए, ऐसा लगे भाई इसके अंदर मछलियां तैर रही है। और अगर कभी भी इसके बुलबुले कम हो जाए, ये देखो जो ये वाटर है, तो भाई इन्होंने भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो ये रहा छोटा सा और एक ये रहा। यहाँ पर जो भाई हल्का सा इंजेक्शन लाके पानी आप भर सकते हो, और ये जो है ना आपको जो साइज दिख रहा है ये यहाँ पर फिंगर के लिए, ताकि आप जैसे फिंगर रखो तो आपकी दर्द नहीं होगी और आपको फिंगर को रेस्ट मिलेगा ऐसे पकड़ने के लिए। और भाई 5 सेकंड चैलेंज होता है शुरू, तो ये 2 हम हटा देंगे बाद में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो जैसे कि हमने बोला था हम 2 माइनस कर देंगे, तो 1 और 2 माइनस करते हैं तो बचे कितने, 1, 2, 3, यानी कि हमने 5 सेकंड के अंदर सिर्फ इसके अंदर 3 छल्ले डाले हैं। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसके अंदर 3 की जगह 4 छल्ले डाल सकते हो, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में, तो आपको अपने नाम के आगे वाओ लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है 5 सेकंड चैलेंज वाटर गेम एक्सेप्टेड, ताकि ये वाला जो है भाई वाटर गेम आप लोगों को गिव अवे हो सके। और इसके अंदर यहाँ पर कुछ होल दे रखे हैं जिससे कि आप इसको अपने की चेन बना के इस तरीके से भी टांग सकते हो और अपने इसको पॉकेट में भी बड़े आराम से रख सकते हो। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ चुका है हमारे हाथ में आइसक्रीम वाला पॉपेट जो काफी ज्यादा टेस्टी है
और यहाँ पे भाई रेड ऑरेंज येलो और ये देखो तिरंगे वाला कलर यानी कि ट्राई कलर वाला फील आ रहा है ना पूरा पूरा। और देखो भाई हल्के ग्रीन से लेके ब्लू कलर है पर्पल कलर है कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार ये। और ये काफी ज्यादा बड़ा यार ये देखो पूरा का पूरा अगर हाथ में भी ढक रहा हूं ना तब भी ये थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है इतना बड़ा साइज है ये। और जब ये आपके पास आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कितना बड़ा है। और इसका जो साउंड भाई वो भी बहुत प्यारा आता है ना मतलब कितना ही गजब। तो भाई अगर आपको इस तरीके से फैंसी वाले बड़े पॉकेट पसंद है वो भी आइसक्रीम साइज के तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है आइसक्रीम वाला पॉकेट ताकि ये वाला पॉकेट आपको गिव अवे हो सके। तो ये आ गया भाई हमारे हाथ में हमारा BTS की तरफ से आने वाला कार्टून करेक्टर का BT21 वाला एक स्टेशनरी सेट जिसकी भाई ये वाली जो रिबन है ये आपको निकालनी पड़ती है जिसके बाद आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर जो है एक ट्रांसपेरेंट पैकिंग देखने के लिए मिलती है जिसके बाद ये देखो इसको देखते भाई प्यार हो जाएगा इतना ज्यादा सुंदर है इतना ज्यादा HD है। और ये मेटल की ज्योमेट्री से भाई लोहे वाली है ना मतलब साउंड से ही पता चल रहा होगा। और ये आप देख सकते हो इसके ऊपर 3D कार्टून करेक्टर बने हुए हैं सारे के सारे BTS वाले ये। इसके अंदर भाई आपको दो पेंसिल मिलती हैं जिसके ऊपर आपको भाई BTS के सारे कार्टून करेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। और भाई मेरा ग्रे वाला बहुत फेवरेट है आपका कौन सा फेवरेट है आप जरूर बताना। ये देखो ये इसकी दोनों पेंसिल और ये है इसका भाई 15 सेंटीमीटर वाला स्केल जिसके ऊपर भी आप देख सकते हो भाई 3, 4, 5, 6, 7 पूरे 7 के 7 करेक्टर बने हुए हैं। और इसका जो कलर है भाई वो भी बिल्कुल येलो कलर का है। और इसके अंदर ना भाई इस तरफ देखो डिजाइन भी है जो कि आपको याद होगा कि भाई कुछ लोग पीछे बैठ के ना डेस्क के ऊपर ये वाली आवाजें बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ इसके अंदर हमें मिलता है ये वाला जिसकी भाई शेप है एकदम डायमंड जैसी यानी कि ये 3D डायमंड है। ये देखो अगर आप ऐसे घुमाओगे तो इधर की तरफ से लाइटें आती है सूरज की तरह ऐसे घुमाओगे तो ऐसे लाइट आएंगी। ये इतना अच्छा प्रिंट कर रखा है और ये काफी महंगा पड़ता है ये वाला प्रिंट जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई भाई वीडियो चल रही है जबकि कुछ भी नहीं चल रहा। ये सारा इसके अंदर लाइट का खेल है बहुत प्यारा। और इसके अंदर आपको 6 कलर देखने के लिए मिलते हैं और पीछे से भी पैकिंग बहुत प्यारी है। और एक बार देखो कलर हम दिखाते हैं तो ये इसके अंदर भाई हमने येलो एंड ब्लू कलर निकाला। ये देखो इनके ऊपर भी पूरी की पूरी पैकिंग कर रखी है इन्होंने और स्टिकर छाप रखे हैं BTS के जिसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है एक लॉन्ग पॉइंट शार्पनर। और ये बहुत सुंदर कलर में है यार मतलब यहाँ से आप अपनी पेंसिल छीलो और ये जो होल है ऑटोमेटिक नीचे की तरफ से खींचता हुआ आता है इसका सारा का सारा डस्ट नीचे निकल जाता है यानी आपकी पेंसिल की नोक अगर टूटती है तो यहाँ पर नहीं रुकेगी ऑटोमेटिक नीचे से निकल जाएगी। और ये जो इसकी इरेजर है ये भी काफी ज्यादा कूल है। और ये देखो एक्स्ट्रा लार्ज वाली है भाई जो नॉर्मल होती है वो इतने साइज की होती है लेकिन इससे अगर ये इतनी ऊपर है तो समझ लो कि ये एक एक्स्ट्रा लार्ज है। और ये नॉन डस्ट इरेजर है जिसके ऊपर आपको दोनों मेन करेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं BTS के। अब आप सोच रहे हो कि जब भाई इतना सारा सामान मिलेगा तो ये हम रखेंगे कहाँ तो ऑफ कोर्स इसकी मेटल वाली ज्योमेट्री में रखना होता है हमें ये सामान। और ये देखो भाई मजा आ जाता है इसका साउंड सुन के। और इसका लॉक का साउंड सुनो यार दोबारा कितना ही प्यारा साउंड है। और इसके अंदर सारा का सारा आपका सामान आ जाएगा उसके बावजूद भी ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हो ना इसको आप व्हाइट बोर्ड की तरह यूज कर सकते हो आप अपने नॉर्मल मार्कर से और बाद में रब भी कर सकते हो है ना कितना इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ पीछे आपको ABCD देखने के लिए मिलती है पूरे अल्फाबेट मिलेंगे Z तक और साथ में कॉम्बिनेशन वाले भाई टेबल देखने के लिए मिलते हैं 1 to 9। तो अगर आपको भी ये पूरा का पूरा सेट पसंद है तो आपके लिए आने वाला चैलेंज और वो चैलेंज ये है कि भाई 3-5 का कितना होने वाला है। तो अगर जिसने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं बाकी जिसको पता है तो उसको लिखना अपना नाम उसके आगे वाव लिखना और उसके आगे आपको लिखना कि 3-5 का इतना होता ताकि ये वाली BTS की कार्टून करेक्टर वाली स्टेशनरी सेट आप लोगों को गिव अवे हो सके जिसके अंदर जब आप इसको यूज कर लोगे तो आप इस स्टिकर को निकाल के इसको एक फोटो की तरह भी यूज कर सकते हो या अपनी फोटो भी इसके आगे लगा सकते हो है ना कितना बढ़िया आइडिया। इसको बोलते हैं भाई DIY वाला आइडिया कितना प्यारा लग रहा है ये फ्रेम। और हाँ अपने नाम के आगे अपनी क्लास लिखना बिल्कुल मत भूलना ताकि ये जो आपको आपके सही टाइम पर गिव अवे हो सके। तो भाई अब इसके बाद बारी आती है उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये 15 नाम अनुज्ञा सिंह गौतम कुमार तनिष्क ललित अंजन संदीप देवनाथ आरोही प्रभु दत्ता मोना लिसा हर्षित नागला अभिज्ञान सिंह विक्की लक्स स्कंदा एंड हैप्पी बर्थडे टू यू कुनाल आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला है बैटमैन की तरफ से आने वाली एक डिफॉर्मेशन वाली रोबोट वॉच जिसको कि आप खुद से असेंबल करके एक रोबोट वॉच बना सकते हो। साथ ही में इसके अंदर आपको 21 पिक्चर देखने के लिए मिलेंगी यानी कि ये एक प्रोजेक्टर लैंप वाली आपको फोटोज भी दिखाएगी वो भी 21 यानी कि आप जिसकी वजह से आधे घंटे की पूरी बैटमैन की मूवी देख सकते हो। तो ये जिन भी 3 लोगों को मिलने वाले उनकी वाकई में काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और साथ ही में अगर आप लोगों को इनमें से जो सी चीज अच्छी लगी है तो आपको अपना नाम लिखना है उसके आगे वो लिखना है उसके आगे आपको लिखना है वो वाला आइटम ताकि वो वाला आइटम जो है आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अगर आपको सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का पसंद है तो करे इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करे इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर इस पर भी 2000 से ज्यादा लाइक 2000 से ज्यादा कमेंट और 2000 से ज्यादा शेयर होते तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का किन्हीं 15 लोगों को शॉर्ट आउट देकर कर दिया जाएगा गिव अवे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब बाजू में दिए बेल आइकन को ताकि आने वाले जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।